सब्सक्राइब करें गोसाईगंवा समाचार चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। खबर एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें 97098-94194। मैं वरुण बाबुल गोसाईगंवा समाचार से, गोसाईगंवा समाचार के न्यूज सुपर फास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जाने नौगछिया भागलपुर सहित आसपास जिलों की प्रमुख खबरें। नौगछिया, गंगा के जलस्तर में वृद्धि जारी, कोसी स्थिर पर कटाव तेज, खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे गंगा व 3 मीटर नीचे कोसी। नौगछिया, गंगा एवं कोसी नदी के गर्भ में बसे नौगछिया अनुमंडल पर जलस्तर में हो रही लगातार वृद्धि से बाढ़ का व कटाव का खतरा बढ़ता जा रहा है। नौगछिया अनुमंडल के नारायणपुर, बीपुर, खरी, नौगछिया एवं रंगरा प्रखंड में भीषण कटाव जारी है। वहीं इस्माइलपुर प्रखंड के दियारा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया है। जल स्तर में जिस तरह वृद्धि जारी है, जल्द ही प्रखंड के सभी 5 पंचायत बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। दोनों नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि एवं कोसी नदी के द्वारा हो रहे कटाव के रौद्र रूप को देखकर तटवर्ती गांव के लोग दहशत में हैं। हालांकि बुधवार को कोसी नदी के जलस्तर में आंशिक वृद्धि हुई है, लेकिन नदी की तेज धार जगह जगह भीषण कटाव कर रही है। वहीं गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट में गंगा के जलस्तर में 1 सप्ताह के अंदर 3 मीटर की वृद्धि हुई है। हालांकि अभी भी नदी डेंजर लेवल से 2 मीटर नीचे बह रही है। गंगा नदी वर्तमान में 29.79 मीटर पर बह रही है, जबकि डेंजर लेवल 31.90 मीटर है। वहीं वर्तमान में कोसी नदी खतरे के निशान से 3 मीटर नीचे 30.90 पर बह रही है। जानकारी हो कि कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के बाद नौगछिया के रामनगर, बिंदटोली सहित खरीक, बीहपुर एवं नारायणपुर प्रखंड में कई स्थानों पर भीषण कटाव शुरू हो गया है। हालांकि विभाग द्वारा वहां बचाव कार्य भी किया जा रहा है। नौगछिया SDO मुकेश कुमार ने कहा कि प्रशासनिक स्तर से बाढ़ व कटाव से निपटने के लिए सभी CO BDO को अलर्ट कर दिया गया है। CO BDO को कटाव स्थल की निगरानी वह तत्काल बचाव के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जो गांव नदियों के मुहाने पर पहुंच गया है या फिर नदी के पानी से घिर गया है, वहां पर CO को सरकारी नाव की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। नवगछिया, तिनटेंगा दियारा में पुलिस छापेमारी के दौरान कालाबाजारी के लिए रखे जनवितरण प्रणाली के 48 बोरा चावल जब्त। नवगछिया के रंगरा प्रखंड के तिनटेंगा दियारा उत्तर पंचायत अंतर्गत भीमदास टोला के गल्ला व्यवसायी के द्वारा अपने घर में रखे जन वितरण प्रणाली के 48 बोरा चावल को रंगरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जब्त कर लिया है। आरोपी गल्ला व्यवसायी भीमदास टोला निवासी लगन शाह बताया जा रहा है। पुलिस छापेमारी की भनक लगते ही आरोपी गल्ला व्यवसायी मौके से फरार हो गया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार रंगरा पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि भीमदास टोला निवासी गल्ला कारोबारी द्वारा जन वितरण प्रणाली के लगभग 50 बोरा अरवा चावल कालाबाजारी के लिए घर में रखा गया है। सूचना मिलते ही मंगलवार की ही देर रात रंगरा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए व्यवसायी के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान मौके से 48 बोरा चावल बरामद किया गया। बरामद किया गया चावल कुल 23.5 क्विंटल बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा इसकी सूचना प्रखंड खाद्य आपूर्ति विभाग को दे दी गई है। इसके बाद प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी राजीव सिन्हा के द्वारा मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की गई। इस बाबत प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी राजीव सिन्हा ने बताया कि पुलिस छापेमारी के दौरान कुल 23.5 क्विंटल जन वितरण प्रणाली के अरवा चावल को आरोपी गल्ला व्यवसायी लगन शाह के घर से बरामद किया गया है, जिसे लेकर 1 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। लोगों द्वारा जानकारी के आधार पर गल्ला व्यवसायी द्वारा लाभुकों को पैसे के लोभ में बेचे गए हैं अरवा चावल को भंडारण करने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि अभी तक मामला पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी ने सैदपुर के विभिन्न वार्डो में गली नाली योजना की जांच। नवगछिया अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बुधवार को सैदपुर पंचायत के वार्ड संख्या 4, 5 एवं 7 में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत कराए जा रहे गली नाली योजना की जांच की। जांच के दौरान उन्होंने पाया कि नाली का निर्माण पिछले वर्ष से ही किया जा रहा है तथा
नाली हेतु गड्ढा साल भर पहले ही खोदा गया था तथा पूरी राशि का उठाव भी कर लिया गया है। नाली का कार्य पूरा नहीं होने के कारण 10 परिवारों को घर से निकलने में भी परेशानी होती है तथा नाली में गंदा पानी जमा होने के कारण महामारी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। उक्त नाली में वार्ड संख्या 5 एवं 7 की नाली का जुड़ाव भी होना है, जिस कारण वार्ड 5 व 7 से भी जल निकासी नहीं हो पा रहा है। पीडब्ल्यूडी सड़क की दूसरी ओर बड़े नाले में उक्त नाली के जोड़ने से ही पानी की निकासी हो सकती है। उन्होंने बीडीओ गोपालपुर को निर्देश दिया कि तकनीकी पदाधिकारी के साथ स्वयं स्थल पर जाकर निर्माणाधीन नाली की समस्या का समाधान करें तथा बिना कार्य किए राशि की निकासी की जांच करें तथा आरोप सही साबित होने पर सुसंगत धाराओं के विरुद्ध मामला दर्ज करावें तथा निकासी हेतु प्राकलन तैयार कर विधिवत स्वीकृति कराते हुए कार्य पूर्ण करावें। साहू पर्वत्ता यूको बैंक की शाखा में चोरी का प्रयास, बगल के घर में भी हुई चोरी। नौगछिया अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत पर्वत्ता थाना क्षेत्र के साहू पर्वत्ता गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने यूको बैंक पर्वत्ता शाखा एवं बैंक के बगल स्थित मनोज साहू के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। यूको बैंक में चोरी करने के लिए प्रवेश तो किया लेकिन चोरों के हाथ पैसे नहीं लगे, लेकिन मनोज साहू के घर से कीमती सामान की चोरी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मनोज साहू पूरे परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं, उनके घर में हुई चोरी की सूचना उन्हें दे दी गई है। उनके घर से चोरों ने क्या चोरी किया है उनके आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि बैंक व बैंक के बगल स्थित घर में हुई चोरी के संबंध में बैंक के शाखा प्रबंधक सिमी कुमारी के द्वारा दिए गए आवेदन में पर्वत्ता पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान आरंभ कर दिया है। साहू पर्वत्ता में मंगलवार की रात को यूको बैंक एवं बगल के घर में एक साथ हुई चोरी की घटना ने गांव के लोगों की नींद उड़ा दी है। सुबह जैसे ही लोगों को जानकारी मिली और बैंक के बगल में मनोज साहू के घर में चोरी हुई है, लोगों की भीड़ वहां जमा होने लगी। बैंक एवं घर में एक साथ चोरी की सूचना मिलने पर पर्वत्ता पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। चोर बैंक के मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे। करीब 3:27 पर चोर बैंक के अंदर घुसे। चोर के चेहरे खुले रहने से सभी के चेहरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। 3 की संख्या में चोर बैंक के अंदर घुसे। बैंक के अंदर सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद तीनों बाहर निकले। इसके बाद तीनों चोरों ने अपने चेहरे को गमछे से ढककर अंदर घुसे और बैंक में पैसे ढूंढने लगे। इस दौरान चोरों ने बैंक में रखे दस्तावेज को इधर उधर किया। चोरों ने बैंक के अलग अलग कुल 5 ताले तोड़े लेकिन चोरों को पैसे नहीं मिले। सुबह के 5 बजे सभी चोर निराश होकर बैंक से निकलकर भागे। इससे यह स्पष्ट हो गया कि चोर बैंक में चोरी करने के लिए जाने से पहले ही बगल के मनोज साहू के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। मनोज साहू के घर में भी चोर घर के मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। चोरों ने पूरी घर के अलमीरा व लॉकर को तोड़ दिया था। घर के सामान यत्र तत्र बिखरे हुए थे। शाखा प्रबंधक ने कहा कि बैंक से पैसे की चोरी नहीं हुई है। चोर बैंक के अंदर घुसकर चोरी का प्रयास कर रहे थे लेकिन चोरों को पैसे नहीं मिले। वही पर्वत्ता थाना अध्यक्ष ने कहा कि घटना के संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। चोरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे से प्राप्त हुई है। पुलिस चोर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। नवगछिया गोपालपुर के गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी। नौगछिया अनुमंडल के गोपालपुर गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी रहने के कारण बुधवार की शाम को गंगा नदी का जलस्तर 29.65 मीटर पर बह रही है। हालांकि जलस्तर में वृद्धि की रफ्तार कम होने के कारण बुधवार को जल संसाधन विभाग के अभियंताओं ने राहत की सांस ली है। नौगछिया अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार ने तिनटेंगा करारी पंचायत के प्राथमिक विद्यालय विद्या यदुनंदन यादव टोला का किया औचक निरीक्षण। नौगछिया अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बुधवार को तिनटेंगा करारी पंचायत के प्राथमिक विद्यालय विद्या यदुनंदन यादव टोला का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रधानाध्यापक महादेव मंडल बिना किसी सूचना के विद्यालय से गायब मिले। बच्चों की उपस्थिति नामांकन पंजी के अनुसार 56% थी। मध्यान्ह भोजन पंजी 5 जुलाई तक ही संधारित थी। मध्यान्ह भोजन का मेनू विद्यालय की बाहरी दीवार पर लिखा हुआ नहीं पाया गया। विद्यालय में 4 दीवारी की जरूरत है। उन्होंने बिना किसी सूचना के विद्यालय से गायब पर प्रधानाध्यापक पर कारण पूछने का निर्देश बीओ को दिया तथा 1 सप्ताह के अंदर अपने मंतव्य के साथ रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। नवगछिया ट्रक एवं टेम्पू की आमने सामने की टक्कर में अज्ञात युवक की मौत। पर्वता थाना क्षेत्र के जगतपुर साहू पेट्रोल पंप के पास हुई दुर्घटना। नवगछिया मंडल
क्षेत्र अंतर्गत परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पुल पहुंच पथ पर जगतपुर साहू पेट्रोल पंप के समीप बुधवार की देर रात ट्रक एवं टेम्पो की आमने सामने की टक्कर में एक अज्ञात युवक की मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची परबत्ता पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर देर रात परबत्ता थाना लाया। परबत्ता थाना अध्यक्ष शिव प्रसाद रमानी ने बताया कि मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई। दुर्घटना में टेम्पू BR10PA 8115 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। थानाध्यक्ष ने कहा कि मृतक युवक की पहचान के लिए पुलिस प्रयासरत है, सबका पोस्टमार्टम गुरुवार को नौगछान मंडलीय अस्पताल में कराया जाएगा। वहीं संभावना व्यक्त की जा रही है कि उक्त मृतक युवक दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुए टेम्पू का चालक हो सकता है। नारायणपुर, बिजली की समस्या के निदान के लिए पदाधिकारी पहुंचे नारायणपुर सब ग्रिड। नारायणपुर प्रखंड में बिजली की आंख मिचौली से परेशान ग्रामीणों की शिकायत पर बुधवार को विद्युत अभियंता के श्री राम रंजन सिंह, नौगछिया कार्यपालक अभियंता प्रभात रंजन, SDO अभिषेक पासवान, MRT शकील नारायणपुर सब ग्रिड पहुंच नारायणपुर के JE अर्चना कुमारी एवं पूर्व सीनेट सदस्य सत्यम प्रियदर्शी से बिजली की विकट समस्या के बारे में जानकारी ली। मौके पर कुंदन यादव ने बताया कि भीषण गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी का मौसम, हल्की हवा या तेज आंधी, हर मौसम में इस प्रखंड के ग्रामीणों को बिजली की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कार्यपालक अभियंता प्रभात रंजन ने बताया कि अक्सर शाम में ट्रिपिंग होने की वजह से बिजली में कटौती की जा रही है, जिसका काम चल रहा है, जल्द ही बिजली कटौती की समस्या समाप्त हो जाएगी। नारायणपुर, CI ने विकास मित्र के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा व गाली गलौज की प्राथमिकी। नारायणपुर प्रखंड में कार्यरत विकास मित्र संयोजक ध्रुव दास के विरुद्ध CI अमरेंद्र कुमार अमर ने भवानीपुर OP में बुधवार को सरकारी कार्य में बाधा डालने व गाली गलौज का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। उक्त जानकारी भवानीपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने दी। प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार नगरपारा गाँव के कविता गोस्वामी का आवासीय प्रमाण पत्र बनाने को लेकर गाली गलौज व विवाद हुआ था। सब्सक्राइब करें गोसाई गौ समाचार चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। खबर एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें 97098 94194।